गाड़ी नहीं आई आपकी, थोड़ा पीछे गाड़ी के पीछे की कभी कभी भी मिलते नहीं ना गाड़ी क्या है ना इतनी बड़ी गाड़ी तुम झेल नहीं पाओगे मैम, थोड़ा सा मास्क करके बैठ लीजिए मैम, मास्क लगा लो आप ही लाइव यार फाइन आप कैसे हैं मैं बोल रतन नहीं नहीं आप अभी आप इतना दूर चले गए रहने के लिए मना गणपति विसर्जन का मैसेज दिल्ली का ये क्या क्या है भाई? अच्छा चलो अच्छा तो पवित्रा सबसे पहले तो बहुत ही सुंदर लग रही है और इस ड्रेस को देखकर कुछ याद भी आ रहा है हमें, आप याद दिलाना चाहेंगी हमारी ऑडियंसेस को या हम बताएं कि हमने कहाँ देखा है पवित्रा को इस तरह से? ये ड्रेस आपने रेड जोन में देखी होगी बिग बॉस की, एक ही बार पहनी थी मैंने, आज लाइनर थोड़ा सा चेंज किया हुआ है, उस दिन ब्लू था आज ब्राउन है, लेकिन उस दिन भी आप सुंदर लग रही थी आज भी सुंदर लग रही हैं, तो आज क्या खास मौका है? सुंदर तो मैं बहुत हूँ, कोई कहने वाली बात है एनीवे आज कोई खास मौका नहीं, आज मैंने सोचा थोड़ा सा कैजुअल अटायर में आ जाऊँ, तो कैजुअली थोड़ा सा फील करना था बट स्टिल एट द सेम टाइम क्लासी एंड हॉट। और आज कुछ नया लुक देखने मिलने वाला है आपका क्योंकि सैलून आई हैं आप, तो यार आई थिंक आई एम डन विद द न्यूड शेड्स बिकॉज हमेशा मुझे पेस्टल कलर ये न्यूड्स बहुत पसंद होते हैं, अर्थी टोन्स बहुत पसंद होते हैं, आज मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा ब्लेंड ही करा लूँ, अपने पुराने वाले अवतार पे आ जाऊँ जैसी मैं हूँ। और चलो हम तो देखेंगे ही, लेकिन साथ ही साथ बिग बॉस OTT खत्म हो गया है, बिग बॉस फिर एक बार ओ यार कॉन्ग्रेचुलेशंस टू दिव्या अग्रवाल, शी प्लेड रियली वेरी वेल, इनफैक्ट और भी बहुत सारे कंटेस्टेंट्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छा खेला है, मतलब लगा नहीं था इतना दम होगा बट है यार वेरी नाइस, गिव अ टफ फाइट। कितने एक्साइटेड हैं फिर से एक बार टीवी पर वापस आने वाला सीजन के लिए? तो यस ऑफ कोर्स, OTT में नहीं देख पाई लेकिन कुछ भी क्लिप्स आती थी जो फैंस वगैरह अपलोड करते हैं तो सोशल मीडिया पे वी आर अवेयर, तो वो देख के बड़ा खुश हुई थी। सीजन के लिए आई एम वेटिंग बिकॉज ऑफ कोर्स सलमान सर होंगे एंड ऑफ कोर्स नए नए कॉन्टेस्टेंट्स देखने को मिलेंगे, लिस्ट तो मुझे थोड़ी थोड़ी सी दिखाई दी है कि वही लिस्ट के लोग आने वाले हैं, आई डोंट नो वही है कि फेक है कि क्या है, नो आइडिया बट वेरी एक्साइटेड। ओके लास्ट क्वेश्चन, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि यू नो शहनाज के फैन क्लब ने आज एक वीडियो अपलोड किया है, शहनाज के लाइव वीडियो, पुराना वीडियो है लेकिन उनके फैंस काफ़ी नम थे उस वीडियो को देखकर और चाहते हैं कि शहनाज को जल्दी से वो देखे, आपकी कितनी बातचीत हो पा रही है शहनाज से और क्या सिचुएशन है उनकी, इसके बारे में कुछ बताना? सी आई टेल यू व्हाट, स्टिल इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट अ फैक्ट दैट वी लॉस्ट सिद्धार्थ, यू सी दिस स्टिल, इट्स नो इट इज़ शहनाज के साथ बात नहीं हुई क्योंकि आई थिंक ऐसे टाइम पे पीस में रहने देना चाहिए बिकॉज मुझे नहीं लगता वो अभी इस हालत में होंगी कि वो किसी का भी रिप्लाई कर पाएँ, और इस वक्त किसी से ये पूछना कि कैसी हो तुम, सबको पता है वो इस वक्त कैसी है, शी इज़ नॉट इन गुड फ्रेम राइट नाउ, बस ये है। वीडियो मैंने नहीं देखा कि फैंस ने क्या अपलोड किया, आई एम श्योर उसे और ज़्यादा एनकरेज करने के लिए उसकी हिम्मत के लिए कुछ डाला होगा, और मैं सिर्फ यही प्रे करूँगी कि जल्दी से ठीक हो और जल्दी से नॉर्मल लाइफ में वापस आ जाए बिकॉज आई एम श्योर सिद्धार्थ उसको कहीं ना कहीं से देख रहा होगा और चाह रहा होगा दैट यू हैव टू गो फॉर इट एंड यू हैव टू डू व्हाट आई कुडंट अकम्प्लिश विद यू, तो अब उसके ऊपर और जिम्मेदारी आई है एंड वी आर ऑल्सो वेटिंग टू सी दैट। राइट, आप कुछ अपना नया प्रोजेक्ट शेयर करना चाहेंगे हमारे साथ? यार बस मेरे को ना एक महीने का टाइम दे दो क्योंकि ना कुछ बड़ा धमाकेदार है बट आने वाला, बस एक महीने का टाइम दे दो, थोड़ा नजर ना लगे। वी आर एक्साइटेड टू सी यू बैक अगेन, थैंक यू सो मच, थैंक यू, बाय बाय बाय।
कुछ आप वापस तो जाए एक बार मौका मिलेगा तो मैं जरूर जाऊंगी, नहीं सही कर सब पूरी कराऊंगी। थैंक यू, बाय। थैंक यू, बाय कविता जी, बाय। आई एम सॉरी डिस्टर्ब किया आपको। काम है चल।